दोस्तों, एक बार गौतम बुद्ध के पास एक स्त्री अपने बच्चे को लेकर रोती हुई आती है और उनसे कहती है, प्रभु मैं आपके पास बड़ी आशा लेकर आई हूँ। मैं जानती हूँ कि आपके लिए सब कुछ संभव है और आप परम ज्ञानी हैं। इसीलिए कृपया मेरे मृत बच्चे को जीवित कर दीजिए, मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगी। उस स्त्री को बुद्ध के पास उन लोगों ने भेजा था जो लोग बुद्ध से ईर्ष्या करते थे। उनका उद्देश्य ये था कि बुद्ध सभी की नजरों में गिर जाए। उस स्त्री के पुत्र की मृत्यु वास्तव में हुई थी, परंतु वह नहीं जानती थी कि उसका और उसके मृत पुत्र का इस्तेमाल बुद्ध को नीचा दिखाने के लिए किया जा रहा है। उसे तो बस ये बताया गया था कि बुद्ध सच में उसके पुत्र को जीवित कर सकते हैं। वो स्त्री कहती है कि कहिए ना प्रभु, आप मेरे पुत्र को जीवित कर देंगे ना। वहाँ उपस्थित सभी लोग बुद्ध के उत्तर का इंतजार कर रहे होते हैं। बुद्ध कहते हैं, हाँ मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर सकता हूँ। बुद्ध की ये बात सुन वहाँ उपस्थित सभी लोग बहुत चौंकते हैं और वह स्त्री बहुत प्रसन्न होती है। फिर बुद्ध कहते हैं कि परंतु तुम्हें एक कार्य करना होगा। वह स्त्री पूछती है, क्या कार्य करना होगा मुझे प्रभु? बुद्ध कहते हैं कि तुम्हें एक मुट्ठी सरसों के दाने लाने होंगे। वो स्त्री कहती है, मैं अभी लेकर आती हूँ प्रभु। बुद्ध कहते हैं, परंतु ध्यान रहे कि दाने ऐसे घर से लाने हैं जिस घर में कभी किसी की भी मृत्यु ना हुई हो। वह स्त्री उसी क्षण सरसों के दाने लेने के लिए अपने गांव में चली जाती है। वह अपने गांव के हर घर में जाकर पूछती है। उसे सरसों के दाने तो हर घर में मिलते हैं, परंतु उसे ऐसा कोई घर नहीं मिलता जिसमें आज तक कभी किसी की भी मृत्यु ना हुई हो। फिर वह स्त्री समझ जाती है कि मृत्यु जीवन का एक ऐसा सत्य है जिसे कोई नहीं बदल सकता। वह स्त्री बुद्ध के पास जाती है और कहती है, मैं इस बात को कहीं न कहीं जानती तो थी, परंतु स्वीकारना नहीं चाहती थी। आपने बिना कुछ कहे ही मुझे इस सत्य से अवगत करा दिया। बुद्ध कहते हैं, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और यही प्रकृति का नियम है। चाहे कोई व्यक्ति कितना ही सुंदर क्यों न हो, या करूप हो, या बूढ़ा हो, या जवान हो, लेकिन फिर भी मृत्यु सभी को आनी है। बुद्ध कहते हैं, ये संसार जिसे हम यथार्थ मानते हैं, यह दुख और पीड़ा का क्षणभंगुर खेल है। इसीलिए जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला, ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिए।